राजस्थान की सियासत में सत्ता का संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके केंद्र में सचिन पायलट और अशोक गहलोत हैं। सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। गुर्जर समाज के नेता विजय सिंह बंसला ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा नहीं होता है तो हम राजस्थान में होने वाले भारत जोड़ो आंदोलन का विरोध करेंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। कौन है विजय सिंह बंसला? विजय सिंह बंसला गुर्जर समाज के राजस्थान में एक बड़े नेता माने जाते हैं। बंसला यात्रा रोकने की तैयारी के लिए जमीन पर उतरेंगे। उन्होंने इसका ऐलान टीवी पर कर दिया है। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि सचिन पायलट भी गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुले मंच से गुर्जर समाज की राजनीति नहीं की है। हालांकि बंसला के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि उन्हें सचिन पायलट का समर्थन प्राप्त है। विजय सिंह बंसला ने क्या बोला है? विजय सिंह बंसला ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा, राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और अब 1 साल बचा है। अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत है, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। बंसला ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और अगला पड़ाव राजस्थान ही है। ऐसे में क्या कांग्रेस को खुद के नेताओं की चुनौती का सामना करना पड़ेगा? राजस्थान में कितना दबदबा है गुर्जर समाज का? गुर्जर समुदाय राज्य की पूरी आबादी का 5 से 6% है और मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में 40 से अधिक सीटों पर प्रभावशाली है। इस क्षेत्र में वो जिले शामिल हैं जहां से भारत जोड़ो यात्रा के गुजरने का कार्यक्रम है। समुदाय के सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद एक वीडियो बयान जारी करके विजय सिंह बंसला ने कहा है कि राहुल गांधी को राजस्थान का दौरा या तो एक गुर्जर मुख्यमंत्री के साथ करना चाहिए या इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। बंसला के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गुर्जर समाज पहले भी राजस्थान में आरक्षण को लेकर दबदबा दिखा चुका है। ऐसे यदि विरोध करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन इससे अलग सचिन पायलट ने इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहां पर जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहां राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहां यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है, इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं। और एक बड़ी रैली अलवर जिले में हम लोग करेंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम सद्भावना प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना, जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है, जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। तो ये थी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राजस्थान में इसके विरोध से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।